उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सूबे में दो चरणों में 4 और 11 मई को चुनाव होगा, जबकि 13 मई को चुनावी नतीजे सभी के सामने होंगे, जिसे लेकर बीजेपी ने अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया। सहारनपुर में सीएम आदित्यनाथ योगी ने जनसभा को संबोधित कर चुनाव अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान सीएम आदित्यनाथ योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर खुद की सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पहले सूबे में बेटियां सुरक्षित नहीं थी, लेकिन आज यूपी की नई तस्वीर उभर रही है। सहारनपुर का गुड़ हो या सहारनपुर की मिठास, यहाँ के किसानों की मेहनत हो या यहाँ के सुसभ्य और सुसंस्कृत सुशिक्षित नौजवानों की प्रतिभा, 17 के पहले उपेक्षित थी, क्योंकि 17 के पहले सरकारों को दंगा कराने से ही फुर्सत नहीं था। जनसभा में योगी ने सहारनपुर के गुरुद्वारा कांड को भी खूब भुनाया और साथ ही पूर्व की सपा सरकार को निशाने पर लिया। याद करिए कैसे यहाँ पर गुरुद्वारे से जुड़े हुए एक मामले में कैसे दंगा करवाया गया था, कैसे सिख भाइयों के ऊपर हमला करवाया गया था, कैसे कर्फ्यू लगा था। और भाइयों बहनों, आज सहारनपुर तो क्या उत्तर प्रदेश में भी कहीं कर्फ्यू नहीं लगता, अब तो कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा। दरअसल साल 2014 में सहारनपुर के कुतुबशेर इलाके में गुरुद्वारे रोड पर जमीन को लेकर दो गुटों के बीच विवाद हो गया था। सिख समुदाय के लोग उस पर भवन बनाना चाहते थे, जबकि विशेष गुट इसका विरोध कर रहा था, जिसे लेकर काफी बवाल कटा, जिसे भुनाकर अब सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के पुराने जख्मों को फिर से हरा कर दिया है, जिसे लेकर अब सूबे का सियासी पारा चढ़ना तय माना जा रहा है। बेटियां पढ़ने के लिए दूर कहीं घर से बाहर जाने के लिए मजबूर रहती थी, मां बाप के मन में भय रहता था पता नहीं कब क्या हो जाए। लेकिन भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे, आज उत्तर प्रदेश में भय मुक्त वातावरण देने में सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनकर के देश के सामने उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रही है।